भाई हम तो कुछ ज़्यादा ही स्पीड में है, 134 की स्पीड है, इससे मैक्स स्पीड है, ऑलमोस्ट हम 150 तक पहुंच चुके हैं, तो देखते हैं कि इस मैक्स स्पीड इसकी कितनी है। और सच बताओ तो इसमें भी इसका कंट्रोल बहुत हद तक सही है। अभी आप हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राजवीर राजपुरोहित और आज हम बात करने वाले हैं एक और नए अपकमिंग मोड के बारे में। ये अपकमिंग मोड एसी स्लीपर सीटर बस मोड रहेगा। आज हम इसे ड्राइव करने वाले, इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा। ऊपर आपको स्लीपर सीट्स देखने को मिलेगी, नीचे की तरफ आपको जो है बढ़िया से सेमी स्लीपर जो है सीट्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इस मोड की बात की जाए तो यहाँ पर एसी पूरा रहेगा, ये पूरा बस एसी मोड है। और यहाँ पर वैसे भी एसी है और बाहर से ही दिख रहा है कि यहाँ भाई एसी मोड है बढ़िया वाला। तो यहाँ पर आपको डोर वगैरह बहुत सही देखने को मिलेगी, ये आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस साइड वाला गेट ओपन होगा, यहाँ पर अंदर की साइड आपका गेट जो है आसानी से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको तीन एनिमेशन की देखने को मिल गए जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यार पहले रोड पर तो ले चलते इस मज़ेदार बस मोड को। इस बस मोड का डाउनलोड लिंक तो मैंने अभी तक आपको नहीं दिया, लेकिन जिस चैनल पर ये आने वाला है ईविल के, तो उस पर आपको जाके उसके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको जो है जैसे ये मोड आए आप जल्दी से इसे डाउनलोड कर ले आसानी से। यहाँ पर ये अशोक लेलैंड का मोड है, मैं पहले ही बता दूँ। और इंटीरियर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हर बार की तरह फैंटास्टिक इंटीरियर है। देखो यार, हर बार ईविल अपना खुद का बहुत बेस्ट देता है हर मोड के लिए, और इस बार भी वही है। तो यहाँ पर ये भी एक बढ़िया एक इंटरेस्टिंग आपको मोड देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी इंटीरियर के अलावा। और यहाँ पर एनिमेशन की बात की जाए तो तीन एनिमेशन की है, जो हर बार जो है आप मोस्टली अलग अलग होती है, लेकिन इस बार कुछ यूनिक आपको एक एनिमेशन की देखने को मिलेगी, जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। अब यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील और कंट्रोल की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कंट्रोल है। अभी मैं 132 की स्पीड पर हूँ, पर कंट्रोल ये बस आसानी से हो रही है। ब्रेक वगैरह में भी कोई दिक्कत आ नहीं रही वैसे अभी तक तो। ओहो हो, क्या मज़ा आ रहा है। और इंटीरियर से आप ड्राइव जब करेंगे ना, तो आपको एक रियलिस्टिक फील आएगा कि आप सच में एक बढ़िया बस गेम खेल रहे हो। चलो यार, एज़ यूजुअल हमारी ये रेन स्टार्ट होने वाली है। देखो यार, मुझे रेन बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं अभी नेक्स्ट टाइम से मुझे लगता है कि ये रेन बंद ही कर दूँगा यार, मज़ा नहीं आता। और एक और चीज़, इस मोड को नाइट में खेलने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि नाइट में इसमें यहाँ पर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो हम एक बार नाइट में भी इसे ड्राइव करके देखेंगे कि नाइट में इसका क्या कुछ सिस्टम रहता है। फ़िलहाल तो हम जो है इसे डे में ही खेलेंगे, और थोड़ी देर डे में खेलेंगे और उसके बाद हम नाइट में इसे स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो लेट्स सी अब ये कहाँ तक कितनी स्पीड में भागती है। यहाँ पर आपको ऊपर थोड़ा बहुत छोटा सा कैरियर देखने को मिलता है, एसी का वेंटिलेटर वगैरह देखने को मिलता है। ओके, और पीछे के साथ इसका लिवरी भी बहुत बढ़िया है सच में। ओके, ओले भाई हम तो कुछ ज़्यादा ही स्पीड में है, 134 की स्पीड है, इससे मैक्स स्पीड है, ऑलमोस्ट हम 150 तक पहुंच चुके हैं, तो देखते हैं कि इस मैक्स स्पीड इसकी कितनी है। और सच बताओ तो इसमें भी इसका कंट्रोल बहुत हद तक सही है। अभी आपने देखा, सच में भाई, पर वो ट्रैफिक की कार जो है काफ़ी तगड़ी स्पीड से जा रही है, उसे ओवरटेक करना ही पड़ेगा। लेट्स सी हम ओवरटेक कर पाते हैं उस कार को कि नहीं। बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रही है, हम अभी 109 की स्पीड में। अब थोड़ा जो है स्पीड बढ़ेगा तो मज़ा आएगा। चलो भाई, दिन हो चला है। इंटीरियर से सच में बहुत मज़ा आ रहा है इस बस मोड को ड्राइव करने में। और आपको जो मिरर्स वगैरह है वो भी एक एग्जैक्ट पोजीशन पर दिए गए, तो उसमें आपको जो है कैलकुलेट करने में
आसानी रहेगी कि कितनी दूरी पर आपका जो है ट्रैफिक व्हीकल है, तो इसके हिसाब से आप ड्राइव कर सकते हैं आसानी से। लाइट बंद कर देनी चाहिए और ले लेनी चाहिए साइड लाइट। ओके, स्लोली स्लोली यहाँ पर ले लेते हैं साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम जो है ओवरटेक करते ही जा रहे हैं, आराम से निकल जा रही है और 150 तक तो पहुँच जाएगी इस बार। तो इस बार तो कोई ट्रैफिक नहीं है तो आसानी से। ओ भाई, ये तो ट्रैफिक की सबसे बेस्ट बस है, मुझे ये बस बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ओके, बीच में आ गया भाई, ठोक दिया मैंने उसको, घुमा दिया इधर से उधर उधर से इधर। भाई साहब, ओके सही है। ओहो भाई, यहाँ पर थोड़ा स्पीड स्लो करना चाहिए मुझे लगता है, पर यहाँ पर आसानी से मैंने ओवरटेक कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह पर मैं बहुत पहले आया था और अब आ रहा हूँ, बहुत कम आता हूँ इस प्लेस पर। यार क्या बढ़िया यहाँ पर कंट्रोल है, सच में कंट्रोल बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। क्या ड्राइविंग में लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है इस मोड को ड्राइव करने में। लिटरली रियल फील हो रहा है कि भाई यार ये तो सबसे बेस्ट एसी स्लीपर सीटर बस मोड है, बस सिमुलेटर इंडोनेशिया का। भाई अब यहाँ पर स्पीड हो चली है 190 की, मुझे पता नहीं मेरी क्या हालत होने वाली है आगे जाके, क्योंकि अभी लोडिंग मैप आएगा उसके बाद क्या सीन रहेगा। मज़ा आएगा क्योंकि यार भाई ठुकने के चांसेस अब ज़्यादा है अगर बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक रहा तो, और हम अब सिटी में आ चले तो दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ी है। ओके, आसानी से मैंने ये तो ओवरटेक कर लिया और 199 की स्पीड कंटिन्यू रखी है मैंने। भाई बीच में मत आइयो, नो मुझे अंदर लेना था लेकिन मैंने फिर से रॉन्ग ले लिया और 200 की स्पीड पहुंच चली है। अब यहाँ पर मोड की असली टेस्टिंग होगी भाई, पर यार झुकेगा नहीं साला, बहुत स्टेबल मोड है। स्पीड देख लो यार, ये तो भाई अनस्टॉपेबल है। ओ भाई अब तो ये स्टॉपेबल हो गई भाई, बहुत भयानक हमने एक्सीडेंट कर दिया। सो ओवरऑल बात की जाए मोड की तो काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक मोड है। अब हम इसे नाइट में ड्राइव करके देखते हैं और कैसा मज़ा आता है वो देखते हैं। बात करें नाइट व्यू की तो यहाँ पर नाइट में कुछ इस तरह का आपको सीन देखने को मिलता है। ओहो हो भाई मज़ेदार है। अब यहाँ पर आगे की साइड आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, काफ़ी सही लाइटिंग वगैरह आपको देखने को मिलती है। ओहो मज़ेदार है, सच में बहुत मज़ेदार लगेगा। और सिटी की लाइट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, तो उसके साथ साथ काफ़ी मैच हो रहा है ये मोड, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ओके स्लो डाउन कर लेते हैं और फिर ओवरटेक कर देते हैं। ठोक दी मैंने भाई साहब, इधर तो काफ़ी भीड़ लग रही है। भीड़ तो नहीं बार भाई, कमज़ोर ड्राइविंग चल रही है अपनी साइड से। और यहाँ पर अंदर की साइड देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग वगैरह है, सही। और जो सिटी की लाइट्स है ना वो भी अलग चमक रही है भाई, इस मोड के क्या ही कहने भाई, सच बता रहा हूँ, बहुत ऑसम मोड है। ओवरऑल देखा जाए ड्राइविंग एक्सपीरियंस और सारी चीज़ों के बारे में बात की जाए तो काफ़ी मज़ेदार मोड है। और यार जब भी आए तब यार बिना चुके इसे डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये मोड
सबसे बेस्ट मोड है। ओके ओके हो लिटरली मुझे लगा था कि मैं ज़रूर ठोक दूंगा, लेकिन यार इसके कंट्रोल का क्या ही कहना है भाई, बहुत सही कंट्रोल है, कंट्रोल में ये तो मोड मुझे ऐसे लिटरली मज़ा आ जाता है इस मोड को ट्राई करने में। सो ये मोड बढ़िया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, अभी नहीं जब ये रिलीज़ होगा तब, पर अब के लिए आप सिर्फ उसके चैनल को जाके विजिट कर सकते हैं, नए मोड्स आने वाले ईविल के चैनल पर तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। इस मोड के लिए थोड़ा दिन आपको वेट करना होगा, उसके बाद आपको ये मोड भी देखने को मिलेगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।